के पत्तों को तोड़ लिया। अब मैं इसे वॉश कर लूंगी। इसको वॉश करने के लिए मैं क्या करूंगी, इसमें एक चम्मच हल्दी डालूंगी। हल्दी पाउडर जो होता है ना, ये हल्दी मैं इसलिए डाल रही हूँ कि हल्दी जो है आपकी इसकी मिट्टी को बिल्कुल साफ कर देगा और इसमें जो बैक्टीरिया होगा उसे भी ख़त्म कर देगा, क्योंकि सब्जी में आपको पता है गंदे गंदे पानी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी वजह से मैं हल्दी डाल के इसे थोड़ी देर के लिए भिगो देती हूँ 5-10 मिनट के लिए। हल्दी ना हमारे जिस्म के लिए, हमारे चेहरे के लिए, हमारे स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसी तरह जिस तरह ये हमारे स्किन को साफ करता है, इसीलिए इसी तरह ये इनके पत्तों को भी साफ करेगा। ये मैंने इसको डाल के थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ दूंगी, जब तक मैं गोश्त को पकाने की तैयारी करती हूँ। उसके बाद मैं 3-4 पानी से इसे वॉश कर लूँगी। अब हमने इसके लिए पैन में सरसों का तेल डाला, ठीक है। सरसों के तेल में इसका जायका बहुत अच्छा होता है। इसके लिए मुझे तेल को बहुत ज़्यादा गर्म करना ज़रूरी नहीं, थोड़ा सा तेल गर्म होगा और मैं फौरन इसके अंदर प्याज वगैरह डालना शुरू करूँगी। मैंने तेल डाला और ये 4 अदद जो प्याज है, इसमें प्याज थोड़ा ज़्यादा डालते हैं क्योंकि ज़ाहिर है वो थोड़ी मेथी में कड़वाहट होती है ना, उसी कड़वाहट को ख़त्म करने के लिए 4 अदद प्याज। इसके साथ ही 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, इन्हें थोड़ा सा मैं पकाऊंगी। प्याज का कलर हल्का सा चेंज कर दूंगी। ये देखें प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हरी मिर्च। ये मैंने 7-8 हरी मिर्च है जो मैंने काटा, क्योंकि ये मैं हरे मसाले में बना रही हूँ, इसमें मैं रेड चिल्ली पाउडर नहीं डालूंगी। हरी सब्जी हरे मसाले में बहुत ज़बरदस्त होती है। अब इसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। ये लहसुन अदरक मैंने 5-6 दिन पहले पीसा है, लेकिन इसका कलर अभी तक खराब नहीं हुआ। अगर आपको जानना है कि मैंने इसको किस तरह पीस के सेव किया तो आप मेरी वीडियो देखिए। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी गोश्त। ये बीफ का गोश्त है, ये 1 किलो से थोड़ा कम है और मैंने रात को समय मंगा के इसे धोकर डिफ्रीजर में रख दिया था, तो ये थोड़ा सा फ्रीज हो गया, तो मैं इसको ऐसे डालूंगी। अब इसके बाद मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाली हूँ ताकि प्याज जले नहीं। अब बाकी मसाले डालूंगी मैं इसके अंदर। ये है हल्दी पाउडर, ये रेड चिली ताकि थोड़ा कलर अच्छा है इसका। नमक हसबे जायका, पानी डाल के इसको गलने के लिए रख दूंगी चूल्हे पे। जब ये गल जाएगा 15-20 मिनट के बाद, फिर मैं अपना ये मैं प्रेशर कुकर में पका रही हूँ। आप चाहें तो इसको पतीली में भी पका सकते हैं। तो मैं इसको 15 मिनट के लिए इसको मैं कुकर में प्रेशर दूंगी, उसके बाद मैं खोल के आपको बताती हूँ। अब देखिए 20 मिनट्स मैंने इसको प्रेशर दिया है। 20 मिनट्स के बाद तकरीबन गोश्त मेरा गल गया है। अब मैं इसको थोड़ा सा तेज थोड़ा करके फ्राई कर लूँगी थोड़ा सा, और इसमें मैं मेथी डालूंगी। ये मेथी मैंने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था हल्दी के पानी में। अब ये मेथी मैं इसमें, थोड़ा सा मैं इसको भुनाई करूंगी मेथी के साथ 5-10 मिनट तक मैं इसी तरह भूनूंगी। उसके बाद मेथी गलने के लिए थोड़ा सा पानी डाल के मेथी को गलने के लिए छोड़ दूंगी।
जब मेथी गल जाएगी तो फिर मैं इसमें आलू डालूंगी। अभी थोड़ा मेथी को मैं इसको पकाऊंगी गोश के साथ। कलर देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है इसमें, ग्रीन ग्रीन सा। अगर सोया डालना चाहें तो आप इसमें सोया भी डाल सकते हैं। खुशबू आ रही है, बेहतरीन मेथी आलू गोश्त हमारे तैयार हो चुका है। अब आप इसको बनाएं इसी तरह, बिल्कुल जिस तरह मैंने बताया इसको बनाएं, और रोटी से, चपाती से, या घर के बने हुए ज़बरदस्त पराठे से खाएं, बहुत मज़ा आएगा यकीन जाने। और मुझे ज़रूर बताएं कि आपने बनाया तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी, मुझे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा हमेशा की तरह।